हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। उत्तर प्रदेश लेखपाल का बैच आया हुआ है दोस्तों, इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं एमजेटी ऐप पर जाकर के। एमजेटी ऐप पर जाइए, इसके बारे में पता कीजिए क्या क्या मिल रहा है आपको, क्या क्या फीचर्स मिल सकते हैं आपको, इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए कल मॉक टेस्ट आयोजित कराया गया था, आप में से कई लोगों ने हिस्सा लिया, हालांकि संख्या कम थी। धीरे धीरे लोग आएंगे, धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा जब तो आएंगे, और जो भी चीज़ें होंगी सुधार करके धीरे धीरे और भी एडवांस इसे बनाया जाएगा। तो अब से प्रत्येक संडे रखते हैं लेखपाल का ये मॉक टेस्ट, जब तक लेखपाल का एग्जाम नहीं हो जाता है। ऐसे ही यूपीपी का भी मॉक टेस्ट लाया जाएगा, ऐसे ही एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी मॉक टेस्ट लाया जाएगा। तो अब से संडे को आपको आना है एप्लीकेशन पर, ठीक है, फ्री में मॉक टेस्ट देने। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन में दूसरे स्थान पर कौन है? तो सेकेंड पर है तमिलनाडु, फर्स्ट पर है तेलंगाना। दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंध कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये मणिपुर में बनाया जा रहा है। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में कई स्टूडेंट ने डिटेल्स के साथ करेक्ट आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही करेक्ट आंसर किया करो और डिटेल्स भी लिखा करो। बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 9 जनवरी को। बहुत बार आपको बताया गया है 9 जनवरी 1915 को दोस्तों महात्मा गांधी जी वापस से लौटे थे भारत में साउथ अफ्रीका से, तो इसी वजह से उनको प्रवासी की उपाधि मिली और पूरे भारतवर्ष में प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई। अच्छा, ये दिवस कब से मनाए जाने की घोषणा हुई है? तो याद रखिएगा 2003 से ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, 2003 से मनाया जाता है। भारत सरकार के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय जो है उसके जुड़ाव को मजबूत करने के लिए, रिलेशन को और ज़्यादा बिल्डअप करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए दुनिया भर में दोस्तों प्रवासियों की संख्या में भारत के जो प्रवासी हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यानी भारत के लोग दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मात्रा में जाकर के रहते हैं, आसान भाषा में आप समझ सकते हो। चलिए अब जनवरी मंथ का महत्वपूर्ण दिवस आया है तो इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी को दोस्तों डीआरडीओ दिवस मनाया गया, तो डीआरडीओ एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे आपको याद रखना है, 1 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 4 जनवरी को दोस्तों मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस, लुई ब्रेल जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इसके अलावा 6 जनवरी को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, एक तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, एक तो दोस्तों भारतीय मानक ब्यूरो दिवस मनाया गया, इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो दिवस मनाया गया। इसके बाद 9 जनवरी आता है, 9 जनवरी को दोस्तों हम लोग मना रहे हैं प्रवासी भारतीय दिवस। इसके अलावा आज 10 जनवरी है, आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा, ठीक है ना। तो आज के बारे में पूरी डिटेल्स कल बताऊंगा मैं आपको। अगला, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय में आयशा मलिक पहली महिला न्यायाधीश बनेंगी? तो दोस्तों आयशा मलिक पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। कब बनेंगी? ये बनेंगी 2030 तक। देखिए मैंने आपको एक दिन बताया था कि जब भी होता है हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें मुख्य न्यायाधीश का जो पद होता है ना वो वरिष्ठतम देखा जाता है, सबसे ज्यादा सीनियर कौन है ये देखा जाता है, यानी जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ होगा वही मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठेगा, ठीक है, अगर कोई रिटायर होता है तो। तो इस हिसाब से आयशा मलिक जो है ये वहां की सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गई है, लेकिन अब ये जो है सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच तो गई है लेकिन वरिष्ठता के मामले में दोस्तों 2030 में जाकर के ऐसा टाइम आएगा जब ये सबसे ज्यादा वरिष्ठ होंगी, ठीक है, अपने अपने वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में। तो 2030 में ये सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगी और इस वजह से ये बैठेंगी वहां की चीफ जस्टिस के पद पर, तो ये हो जाएंगी फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। तो आयशा मलिक का नाम आप याद रखेंगे। अच्छा, ये तो पाकिस्तान की हैं, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन होंगी? तो वो होंगी जस्टिस बीवी नागरत्ना। इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये 2027 में बनेंगी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। अभी 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो उन 9 न्यायाधीशों में 3 महिलाएं थी, 3 महिलाओं में एक थी जस्टिस बीवी नागरत्ना। तो ये जाकर के 2027 में बनेंगी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश और 3 साल बाद पाकिस्तान में भी होंगी ऐसी
पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। हालांकि बीबी नागरत्न दोस्तों सिर्फ 36 दिनों के लिए बनेंगी, और वहीं इनको अगर बात करें आयशा मलिक को तो ये लगभग एक वर्ष के लिए बनेंगी, 2030 से लेकर 2031 तक ये रहेंगी, क्योंकि इनकी उम्र हो जाएगी 65 ईयर और मैक्सिमम 65 ईयर ही हो सकते हैं। तो लगभग देखिए दोनों जगहों का प्रोसेस समान ही है, पाकिस्तान के भी और भारत का भी। भारत में अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, एनवी रमना जी हैं। कौन है? एनवी रमना। पाकिस्तान के बारे में इधर जान लीजिए थोड़ा सा, इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस्लामाबाद राजधानी, पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी है, नेशनल असेंबली संसद, और डॉक्टर आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला, किस राज्य में लोसुंग या नामसुंग महोत्सव मनाया गया? तो ये दोस्तों मनाया गया अभी हाल ही में सिक्किम में। सिक्किम का बहुत ही फेमस ये पर्व होता है लोसुंग या नामसुंग महोत्सव, लोसुंग फेस्टिवल दोस्तों। जब वहां पर नई फसल के लिए मौसम तैयार होता है ना, तब ये मनाया जाता है। तो नई फसल के शुरुआत के लिए ये मनाया जाता है लोसुंग फेस्टिवल। ये सिक्किम में मुख्यतः मनाया जाता है, साथ ही साथ अगर बात करें भूटान में, क्योंकि पास भी पड़ता है भूटान, और नेपाल के भी जो आसपास के एरिया हैं जो सिक्किम से सटे हुए हैं, वहां पर भी ये मनाया जाता है लोसुंग महोत्सव। तो ये बेसिकली तिब्बती चंद्र कैलेंडर जो है उसके 10वें महीने के 18वें दिन में मनाया जाता है, 5 से 7 दिनों तक ये चलता है। अभी मैंने आपको बताया था लोसर महोत्सव के बारे में, तो लोसर महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? लद्दाख में मनाया गया। मैंने आपको अभी वन महोत्सव बताया था, भोपाल में मनाया गया था। ड्रोन मेला बताया था, ड्रोन मेला ग्वालियर में मनाया गया था, ठीक है ना, आयोजित किया गया था। इसके अलावा अभी जयपुर में लोकरंग महोत्सव मनाया गया था, अभी उत्तराखंड में मधुमक्खी महोत्सव मनाया गया था, और अभी राजस्थान में शरद महोत्सव मनाया गया था, राजस्थान में ही पुष्कर मेला मनाया गया था। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, रिवाइज करते रहना है समय समय पर। चलिए सिक्किम आया है, सिक्किम के बारे में जान लो थोड़ा सा। सिक्किम दोस्तों यहाँ पर पड़ जाता है, ये है सिक्किम। 16 मई 1975 को भारत के 22वें राज्य के रूप में ये जुड़ा था, इसके लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया था 1975 में। देखिए ये भूटान से और नेपाल और ऊपर तिब्बत से अपना बॉर्डर शेयर किया करता है, 3 देशों से घिरा हुआ है, नीचे ये पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया कि भूटान के आसपास के एरिया जो हैं, सिक्किम के आसपास जो भूटान का एरिया है और जो इधर नेपाल का एरिया है, यहाँ पर भी मनाया जाता है और तिब्बत में भी तो मनाया ही जाता है, क्लियर है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, और प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर गंगा प्रसाद जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। सिक्किम दोस्तों फिल्मों की शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य बना था, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों संगनी, तामिल सो, गैनी, ये सभी लोक नृत्य मनाए जाते हैं। नाथुला और जिलेपला दर्रा यहाँ पर है, कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है यहाँ पर, ये भी पूछा जाता है। अगला, किस राज्य में निरामय परियोजना की शुरुआत हुई? तो अभी हाल ही में निरामय परियोजना की शुरुआत हुई है असम में। असम यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निरामय परियोजना ये नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू किया गया है। निरामय परियोजना इसलिए शुरू की गई है जिससे असम में पब्लिक सेक्टर में जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको बढ़ावा दिया जा सके, कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सके, डिजिटलाइजेशन के थ्रू कैसे वहाँ के मेडिकल सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके, इसके लिए ये शुरू किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की अगर बात करें तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ही एक हिस्सा होता है। इसका देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM, बहुत ही फेमस है, इसको आपको याद रखना है NRHM। इसकी शुरुआत 2005 से हुई थी, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा ये शुरू किया गया था। समय समय पर इसे अपडेट किया जाता रहते हैं और नया नया मिशन लाते हैं। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में 9वें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में 9वें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किया है दोस्तों जगदीश मुखी ने। जगदीश मुखी जी ये असम के वर्तमान में गवर्नर हैं, तो इन्होंने वहाँ के 9वें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? तो गुवाहाटी असम में किया है। गुवाहाटी असम का ही दोस्तों एक जिला है, बहुत ही बड़ा जिला है। तो यहाँ पर इन्होंने जगदीश मुखी जी ने इसका नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। 7 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के थ्रू जो पूर्वोत्तर के व्यंजन हैं, कारीगर हैं, उनकी नेटवर्किंग को बढ़ावा मिलेगा, वहाँ के जो शिल्पकार हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, एक प्रकार से वहाँ की चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल बहुत ही फेमस फेस्टिवल होता है नॉर्थ ईस्ट एरिया में। तो ये इस बार का ये 9वां संस्करण है जो वहाँ के राज्यपाल के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंक विज्ञान में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया?
तो अभी हाल ही में भारत के जेसी चौधरी ने दोस्तों अंक विज्ञान में यानी कि न्यूमरोलॉजी में पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो गया है। ये 2022 के पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, अच्छा, ये न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही फेमस भारत के अंक ज्योतिष हैं। इन्होंने किया क्या है, इन्होंने दोस्तों 6000 से ज़्यादा प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित किया है, ट्रेन किया है, एक प्रकार से कहें कि शिक्षा दी है। तो इस प्रकार से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम बन गया है, सेट हो गया है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन कार्यालय ने इस उपलब्धि के लिए एक नई कैटेगरी बनाई, न्यूमरोलॉजी कैटेगरी, और उस कैटेगरी में सबसे पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले व्यक्ति बन गए जेसी चौधरी, भारत के हैं। अगला देखते हैं, ओपेक का महासचिव किसे नियुक्त किया गया। तो ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसके नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं हैथम अल घिस। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये कुवैत के रहने वाले हैं। तो इनको ओपेक का नया बागडोर दिया गया है, नया महासचिव बनाया गया है। ये कुवैती तेल कार्यकारी हैं, आए हैं मोहम्मद बारकिंडो की जगह पर। मोहम्मद बारकिंडो इससे पहले थे, तो इनकी जगह पर अब हैथम अल घिस को नियुक्त किया गया है। हालांकि हैथम अल घिस जो हैं ये अगस्त में बनेंगे, अपना पद ग्रहण करेंगे। अभी नियुक्त किया गया है यानी कन्फर्म हो गया है कि यही अब अगले बनेंगे। अब अगस्त जब आएगा, अगस्त 2022, तब ये अपना पद ग्रहण कर लेंगे। ओपेक के बारे में बात करें तो ओपेक दोस्तों एक ऐसे देशों का संगठन है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले देशों का एक समूह है। यही लोग डिसाइड करते हैं कि दुनिया भर में पेट्रोल डीजल वगैरह के दाम कितने होंगे। ठीक है, बढ़ाना है कि घटाना है, यही लोग अगर बढ़ा देते हैं तो फिर बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, वियना ऑस्ट्रिया का नाम आपको याद रखना है। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ईबुक के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ईबुक आई हुई है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। हिंदी वाले हिंदी में ले सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में इसे ले सकते हैं एमजेटी ऐप पर जाकर के। सभी एग्जाम के लिए ये रामबाण है, चैप्टर वाइज कैटेगरी वाइज दोस्तों पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है, कि बहुत ही अच्छे तरीके से आसान भाषा में लिखी गई है जिससे आपको समझ में आ जाए और आप तुरंत क्विकली जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वो पॉइंट प्राप्त कर पाएं और एग्जाम में अपना इसका फायदा उठा पाएं। बहुत सारे बच्चों ने लिया है, जिन्होंने भी लिया है 100% सेटिस्फेक्शन है उनका। आप लोग भी इसे लेकर के एक बार देख सकते हो। एमजेटी ऐप पर जाना है आपको, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा होगा, उस व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना है। आपको ईबुक वहां से यूपीआई के माध्यम से मिल जाएगी। इसके अलावा लेखपाल बैच के भी बारे में आप जाकर के जानकारी ले सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पर या फिर वीडियो कोर्सेज के माध्यम से जाकर के एप्लीकेशन पर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता। तो इसको जीता है दोस्तों किसने, नादरबेक अब्दुल सत्तारोव। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये हैं भाई साहब, ये उज्बेकिस्तान के रहने वाले हैं। तो 17 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने जीत लिया है, उज्बेकिस्तान के ये हैं। ठीक है, तो इन्होंने किसको हराया है, यान नेपोमनियाची को हराया है जो कि रसिया के हैं। इससे पहले अभी आपको याद होगा शतरंज से ही रिलेटेड एक हुआ था विश्व शतरंज चैंपियनशिप, इसको मैग्नस कार्लसन ने जीता था। वो कहाँ के हैं, वो नॉर्वे के हैं, और उन्होंने ही तो फाइड 2020 विश्व चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था। किसने, मैग्नस कार्लसन ने ही, वो भी याद रखना है आपको। अगला, ऑस्कर जीतने वाले किस पहले अश्वेत अभिनेता का निधन हो गया। तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता थे सिडनी पोइटियर, इनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। सिडनी पोइटियर यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये अमेरिका में थे, अमेरिका में बहामियन मूल के थे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको 1964 में ही मिला था, इनकी फिल्म आई थी एरिजोना लिली ऑफ द फील्ड, तो इसके लिए इनको बेस्ट एक्टर चुना गया था, और अभी हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया है। सिर्फ इसलिए ये नहीं महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा के द्वारा, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा के द्वारा 2009 में US प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है एक। ठीक है, तो सिडनी पोइटियर का नाम आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, LLC ने ऑल वुमेन रेफरी टीम का राजदूत किसे नियुक्त किया। तो LLC ने अभी हाल ही में झूलन गोस्वामी को नियुक्त किया है ऑल वुमेन रेफरी टीम का एम्बेसडर, या कहें राजदूत। झूलन गोस्वामी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सर्वश्रेष्ठ बॉलर हैं दोस्तों,
इनको अभी हाल ही में LLC ने ऑल विमेन रेफरी टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। LLC मतलब लीजेंड लीग ऑफ क्रिकेट। तो इसने अभी ऑल विमेन मैच ऑफिशियल टीम की घोषणा की हुई है और इसमें इनको एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस ऑफिशियल टीम में दोस्तों दुनिया भर की जो महिला एम्पायर हैं और महिला मैच रेफरी हैं उनको शामिल किया गया है। इसको इसलिए किया गया है जिससे क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। आपको याद होगा दोस्तों कि अभी जो होने वाला है 2022 में बर्मिंघम में होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम, इसमें महिला क्रिकेट को भी मंजूरी मिल गई है। तो महिला क्रिकेट भी अब से खेला जाएगा, हालांकि वो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, ठीक है ना। तो इस बार बर्मिंघम में होने वाला जो कॉमनवेल्थ गेम है उसमें T20 फॉर्मेट में महिला क्रिकेट भी खेला जाएगा, ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए बस, तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और वीडियो में कोई भी सुधार की जरूरत हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे में बात करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है। अगला, नागालैंड ने कब तक 100% साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य रखा हुआ है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना, और MZT ऐप इंस्टॉल करके रखो, यहीं पर सब कुछ आने वाले हैं दोस्तों। UPP का भी बैच आया हुआ है, लेखपाल का बैच आया हुआ है, सामान्य ज्ञान का बैच आया हुआ है, इन सब के बारे में आप पता कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, कोई भी नोटिफिकेशन होता है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, यहीं पर प्रोवाइड कराई जाती है। आपको जाना है टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर सर्च करना है MZT एजुकेशन और ज्वाइन कर लेना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए, मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।